अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपका नाम यासीन है, आपकी उम्र 12 साल है और आपका पैदाइशी होंठ और तालू कटा हुआ था, है ना, जिसके लिए आपने आपका होंठ जो है वो दोनों तरफ से कटा हुआ था और उसके आपके ऑपरेशन हुए हैं बचपन में बड़े मशहूर सर्जन से। उसके बाद आपको होंठ का एक मज़ीद ऑपरेशन हुआ है जो मैंने किया था, यहाँ पट्टे अलग थे, तालू बोलने में आपको नुक्स था, नाक में बोलते थे, उसके लिए एक और ऑपरेशन हुआ है और अब आप आए हैं मेरे पास क्योंकि आपको अपनी नाक और होंठ पसंद नहीं है, आप चाहते हैं इससे बेहतर हो जाएं। तो अगर आप मुझे बताएं बेटा कि आपको नाक में क्या बुरा लगता है। नाक में जी सर ये चीज़ नीचे से ऊपर करना है। हाँ। और ये दबा हुआ नहीं, नहीं होंठ का अलग बात करेंगे, नाक में और कुछ करवाना है, सिर्फ ये दबा हुआ है इसको सही करना है। नहीं, ये उकाना है और ये चीज को अंदर नहीं। हाँ, और नाक आपकी अगर आप देखें तो ये यूं देखें जरा, ये बिल्कुल टेढ़ी है, ये जो मुलायम हड्डी है इधर आई हुई है, इसको भी हम सीधा करेंगे तो इंशाल्लाह ये उठेगी। चले, नाक का ऑपरेशन, इस वक्त मैं आपका मुकम्मल नाक का ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि 12 साल की उम्र पे इस हड्डी को हम नहीं तोड़ते, लेकिन मुलायम हड्डी का जितना खेल है ये इंशाल्लाह आपके लिए 2 दिन बाद मैं करूँगा। ओके, उसमें इंशाल्लाह ये भी ऊपर हो जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, ये थोड़ा सीधा हो जाएगा और ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, लेकिन नतीजा हासिल करते करते जिस तरह मैंने आपको बताया 6 महीने लग सकते हैं क्योंकि काफ़ी सूजन होगी। अब होंठ के लिए उसूलन तो अगर आप देखें आपका ये धसा हुआ है होंठ, ये बाहर निकला हुआ है, मसूड़े आपके बिल्कुल धसे हुए हैं, उसके लिए आप जिस बड़े अच्छे ऑर्थोडॉन्टिस्ट के पास जा रहे हैं उन्होंने आपको बोला है, आपकी अम्मी को बोला है कि 2 साल बाद वो आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन इस वक्त आपके लिए बड़ा मुश्किल है 2 साल इंतज़ार करना क्योंकि जिस तरह अम्मी आप बता रही हैं आप एहसास से कमतरी के शिकार हो रहे हैं, जब भी बात करते हैं हाथ यहाँ रखते हैं, है ना, मुंह छुपा रहे होते हैं आप हमेशा, अभी बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं आप इस तरह हाथ नीचे रख के। होंठ के लिए मैंने आपको बताया कि मसूड़े के बाद जब बुनियाद बनेगी तभी वो होंठ सही तरह बेहतर किया जा सकता है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें अभी मैं थोड़ी सी आपके लिए बेहतर कर सकता हूँ, इसको थोड़ा और मोटा कर सकते हैं कहीं और से थोड़ी सी चर्बी लेके, उसको प्रोसेस करके फिर इधर हम डाल सकते हैं जिससे ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, बाहर इतना नहीं आएगा और ये लाली जो इधर वर्मिलियन नज़र नहीं आ रहा ये भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। वो जो दूसरा ऑपरेशन है यहाँ से होंठ का ये निचले होंठ से इतना हिस्सा लेके उसको इधर जोड़ना, वो थोड़ा सा पेचीदा है, उसके बारे में आप सोचें, अगर वो करवाना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और मुझे बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछ रहा था तो ये चीज़ तो अंदर है सुकाना है। हाँ। बराबर हो सके। हाँ पढ़ना, वो आपके लिए उसी वक्त मैं कर सकता हूँ जब अंदर मसूड़े की जो बुनियाद है ना, अभी आपका मसूड़ा बेचारा यूँ सुखड़ा हुआ पड़ा हुआ है, सारे दांत यूँ 3 हिस्सों में यूँ पड़े हुए हैं, उसको जब एक ऑर्थोडॉन्टिस्ट यूँ प्रेसिस के साथ या किसी और तरीके के साथ यूँ उभारेगा बाहर लाएंगे तो वो खुद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अभी मैं आपके लिए ये थोड़ा सा मोटा करूँगा, इसको थोड़ा सा ये जो बीच वाले 2 लकीरें हैं इनको, ये थोड़ी चौड़ी हैं, इनको थोड़ा पतला करेंगे और होंठ को थोड़ा भर देंगे। अगर आपने ये वाला काम करवाना है अभी तो फिर आप तैयार हो जाएं कि 3 हफ्ते के लिए दोनों होंठ जुड़े रहेंगे, तो आप खा पी नहीं सकेंगे सिवाय इधर छोटा सा हिस्सा होगा छोटे चम्मच या स्ट्रॉ के साथ, और हो सकता है तोलने पर दोनों चीज़ें नाक और होंठ इस तरह के होंठ के ऑपरेशन के साथ दोनों एक साथ करना शायद मुनासिब ना हो, इसलिए अम्मी से जो आपकी बात हुई थी वो यही हुई थी कि अभी होंठ करेंगे, वो होंठ का सिर्फ महदूद काम करेंगे और इंशाल्लाह नाक को बेहतर से बेहतर करेंगे, लेकिन ये याद रखें कि शुरू में आपको नतीजा नहीं मिलेगा फौरन नाक का, वो आहिस्ता आहिस्ता सूजन कम होगी तो आपको बेहतर नतीजा मिलेगा, और आम जिस तरह नाक होती है उस तरह शायद ये कभी ना हो, लेकिन इससे इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और कुछ पूछेंगे? यही था बस, यही ये। हाँ इंशाल्लाह, फिर तुम्हें ये आदत तोड़नी होगी पूरे वक्त यूँ जिस तरह तुम मुंह हाथ इधर रखते हो मुंह के सामने, वो नहीं करना हो। ठीक है, ठीक है, प्रॉमिस।
अगर तुम्हें नतीजा अच्छा लगे। ओके।